इस दुनिया में शेर तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ ही हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। और आज हम ऐसे ही दो कमाल के शेरों की कहानी देखेंगे जिनके दीवाने लाखों में हैं। हमारे इस लिस्ट के दूसरे पायदान पे है दुनिया का सबसे क्रूर लायन मिस्टर टी। मिस्टर टी का जन्म साल 2001 में स्पार्टा प्राइड में हुआ था। इसके साथ ही स्पार्टा प्राइड में 5 और मेल कब्स भी थे जो आगे चलकर साथ में कहलाने वाले थे मपोगोज। आगे कई सालों तक ये अपने भाइयों के साथ मिलकर जीवन के हर हुनर में माहिर होता गया और फिर साल 2004 में ये और इसके भाइयों ने स्पार्टा प्राइड को छोड़कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। अगले कुछ सालों तक तो ये और इसके भाई सबसे छुप छुप कर ही रहते थे, लेकिन फिर साल 2006 के बाद इन्होंने मखुरू की अगुवाई में अपना खुद का किंगडम बनाना शुरू कर दिया और अगले कुछ ही सालों में इन्होंने पूरे सावी सैंड पे अपना एक क्षत्र राज स्थापित कर दिया। लगभग 70,000 हेक्टेयर के अपने इस विशालकाय किंगडम को बनाने के दौरान इन्होंने 100 से भी ज्यादा लायंस को मार दिया, जिसमें मिस्टर टी सबसे आगे रहता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक अगर कोई भाई मिस्टर टी के दिल के सबसे करीब था तो वो था किंकी टेल। ये दोनों साथ में रहते, साथ में शिकार करते और साथ में ही दुश्मनों का सामना भी किया करते थे। इसके साथ ही इन दोनों ने कई बार एक दूसरे की जान भी बचाई थी। मपोगोस का राज अपने पीक पे था और कोई भी दूसरा शेर इन्हें चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था, लेकिन फिर इनमें आपस में ये ग्रह युद्ध के जैसा माहौल बनने लगा। दरअसल मिस्टर टी ने मखुलो को कभी भी अपने लीडर के रूप में स्वीकार नहीं किया था, बल्कि ये तो चाहता था कि मपोगोस को ये खुद लीड करे और फिर इसीलिए एक दिन इसने मखुलो को चुनौती दे डाली। इन दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में हार मिस्टर टी की ही हुई। इसके बाद मपोगोस का बंटवारा हो गया, जहां एक तरफ थे मिस्टर टी और किंकी टेल तो वहीं दूसरी तरफ से बाकी के 4 मपोगोस। आगे ये दोनों भाई अपने नॉर्दर्न इलाके में राज करने चले गए। दो टुकड़ों में बढ़ जाने के बाद भी मपोगोस का राज कम नहीं हुआ, बल्कि अगले कुछ ही सालों के अंदर अंदर मखुलू और बाकी के 3 भाइयों ने स्टिक्स और स्पार्टा प्राइड पे भी अपना राज स्थापित कर लिया। इस वक्त तक मपोगोस के अंडर कुल 8 प्राइड्स आ गए थे और अब इन्होंने क्रूगर के दूसरे एरियाज में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया था। वैसे अलग होने के बावजूद भी मखुलू कभी भी मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके में कोई दखल नहीं करता था और ना ही मिस्टर टी और किंकी टेल अपने भाइयों से कोई बैर रखते थे। यहाँ तक कि एक तरह से देखा जाए तो ये तो अपने भाइयों को बाहरी खतरों से बचाया ही करते थे। दरअसल वेस्ट में जहाँ बाकी के 4 मपोगोस रहते थे, वो 3 तरफ से फेंस से घिरा हुआ था, जिसके वजह से उस तरफ से तो कोई भी शेर इन पर हमला नहीं कर सकता था। इसीलिए अगर किसी दुश्मन शेर को इन पर हमला करना भी होता तो पहले उन्हें मिस्टर टी और किंकी टेल का सामना करना पड़ता, जो कि किसी भी शेर के लिए लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन साल 2010 में इनका सामना एक बहुत ही खतरनाक लायन कॉलेशन से हो गया। ये शेर थे 5 मजिंगलानी लायंस। मिस्टर टी को बहुत जल्द ही ये पता चल गया कि ये खतरा कितना ज्यादा बड़ा है और इसीलिए इसने तुरंत ही मजिंगलानीस को अपने इलाके से भगाना चाहा। फिर 8 जून 2010 को इसने किंकी टेल के साथ मिलकर एक मजिंगलानी शेर को धर दबोचा और उसका काम तमाम कर दिया। इसे मिस्टर टी को लगा कि अब मजिंगलानीस इसके इलाके से भाग जाएंगे, लेकिन आगे तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मिस्टर टी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल पीछे हटने के बजाय 4 बचे हुए मजिंगलानीस तो अपने भाई का बदला लेने के लिए एकदम उतावले हो गए और फिर उसी रात मजिंगलानीस आग बबूला होकर मिस्टर टी और किंकी टेल की तलाश में निकल पड़े। आखिर में उन्हें एक लायन दिख भी गया, ये किंकी टेल था। और यहाँ पर इसे अकेला देखकर चारों मजिंगलानीस ने इस पर हमला कर दिया। ये हमला इतना बेरहम था कि जंगल के सभी जानवर इसकी आवाजों से दहल गए। कुछ ही देर के बाद मिस्टर टी को भी अपने भाई पर हुए इस जानलेवा हमले की अनुभूति हुई और ये बिना किसी देरी किए तुरंत अपने भाई के पास पहुंच गया। लेकिन यहाँ ये अपने भाई को बचा पाता उससे पहले ही मजिंगलानीस ने इस पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद मिस्टर टी को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही पड़ता है और इसीलिए ये अपने भाई किंकी टेल को नहीं बचा पाता है। इसके कुछ हफ्तों के बाद तक भी मिस्टर टी नॉर्थ में सलाला प्राइड में ही रहता रहा। इस दौरान ये लगातार अपने भाई किंकी टेल को पुकारता रहा, क्योंकि इसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि इसके भाई की मौत भी हो सकती है। लेकिन आखिर में मजिंगलानीस ने इसे नॉर्थ से भगा ही दिया, जिसके बाद ये वापस से मखुलो के पास आ गया और उसने इसे अपना भी लिया।
वैसे यहाँ आने के बाद ये कुछ ऐसा करने लगा जिसके वजह से इसे सैतन या सैतान के नाम से भी जाना जाने लगा। दरअसल ये अपने ही भाइयों के बच्चे को मारने लगा, और ऐसा ये इसलिए कर रहा था जिससे ये प्राइड के शेनियों के साथ मीटिंग करके अपने बच्चे पैदा कर सके। इसने कुछ ही दिनों में 11 बच्चों को मार दिया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इन सब के दौरान किसी की भी नज़र इस पर पड़ी नहीं। अगले कुछ ही महीनों में 2 और मपोगोस की मौत हो गई, लेकिन अब भी साबिसन के वेस्टर्न इलाके में मपोगोस का ही सिक्का चलता था। पर मार्च 2012 में मपोगोस के इलाके में 4 लायंस का एक गठबंधन जिसका नाम था सेलाटिस, वो घुसाए और यहाँ आते ही ये एक अकेले मपोगो पे टूट पड़े। ये मपोगो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर टी ही था, जो इन 4 शेरों को देखने के बाद भी पीछे नहीं हटा, बल्कि इसने तो अपने किंगडम को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह से इस लड़ाई में झोंक दिया। अगर यहाँ पे मिस्टर टी के साथ माकुलू भी होता तब शायद ये इन घुसपैठियों से जीत भी जाता, लेकिन अकेला होने के वजह से इस लड़ाई में इसकी हार हुई। और पहले तो उन बेरहम सेलाटिस ने इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और फिर रुक रुक के इसे बहुत घाव दे डाले। इसे मिस्टर टी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और फिर उसी रात मिस्टर टी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन अपने जीवन के आखिरी पल में भी इतनी बहादुरी से लड़ने के वजह से मिस्टर टी हमेशा के लिए अमर हो गया। अब हमारे आज के इस लिस्ट का आखिरी शेर है स्कारफेस। इसे दुनिया का सबसे फेमस लायन माना जाता है। स्कारफेस पूरे 13 सालों तक अफ्रीका के सवाना पे राज करता रहा, यहाँ तक कि एक बार पेट से गोली आर पार हो जाने के बाद भी ये जिंदा रहा। स्कारफेस को सबसे पहली बार साल 2011 में देखा गया, और उस वक्त ये अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ इसके 3 भाई भी थे, हंटर, मुरानी और सिकियो। इनके इस कोएलिशन का नाम था मस्केटियर्स। स्कारफेस बचपन से ही बहुत बहादुर था, जैसे कि एक बार ये अपने से काफी बड़े लायन से बिना डरे भिड़ गया। इस लड़ाई में इसके चेहरे पे एक गहरा घाव भी आया जो आगे चलकर इसकी पहचान ही बन गया। एक्सपर्ट्स की माने तो स्कारफेस का जन्म साल 2007 से 2008 के बीच मसाई मारा में ही हुआ था, और बहुत से लोग तो ये दावा भी करते हैं कि ये मसाई मारा के लेजेंडरी लायन नॉच का बेटा था। जब साल 2011 में मस्केटियर्स को पहली बार देखा गया था तब ये काफी यंग थे, और इस समय ये सभी लगभग एक जैसे ही दिखते थे सिवाय स्कारफेस के, क्योंकि इसके चेहरे के घाव के वजह से इसे दूर से ही पहचाना जा सकता था। आगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर स्कारफेस और उसके भाइयों को एक नया प्राइड भी मिला, और ये कोई मामूली प्राइड नहीं था बल्कि ये मसाई मारा के इतिहास का सबसे शानदार प्राइड मार्च प्राइड था। इसे इन्होंने मार्च प्राइड के 2 बूढ़े लेकिन दमदार शेरों को हरा के हासिल किया था। स्कारफेस और इसके भाइयों के वजह से मार्च प्राइड एकदम सुकून से रह रहा था, क्योंकि इनके होते हुए कोई भी दूसरा शेर मार्च प्राइड के तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था। लेकिन फिर साल 2013 के एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने स्कारफेस के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। दरअसल इस दिन होता ये है कि शिकार की तलाश में स्कारफेस पार्क के किनारे के इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर अपने पालतू जानवरों की जान बचाने के लिए और घबराहट में वहां रहने वाले गांव वाले इस पर गोली चला देते हैं। गोली सीधा इसके पेट पे आकर लगती है जिससे स्कारफेस लगभग अधमरा हो जाता है। बाद में जब रेस्क्यू टीम इसे बचाने के लिए आई तब किसी को भी इसके जिंदा बच पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आगे तो वेटनरी डॉक्टर्स ने चमत्कार कर दिया और स्कारफेस की जान बचा ली। उस वक्त स्कारफेस को एक नया जीवन मिला था, लेकिन इस दौरान जो भी हुआ था उसे चारों मस्केटियर्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे, और इसीलिए इन्होंने अपने ही घर यानी मार्च प्राइड को छोड़कर पार्क के अंदर के हिस्से में जाने का फैसला किया। फिर चलते चलते ये पैराडाइज प्लेन में आ गए। इसे जानवरों का स्वर्ग माना जाता है, और इसीलिए इन भाइयों ने यहीं रुकने का फैसला किया। इसके बाद ये मारा ट्रायंगल के पास रहकर अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा करने लगे। इस दौरान इन्हें अक्सर ही रात में बफेलोस का शिकार करते हुए देखा जाता था। इनकी गिनती मसाई मारा के सबसे माहिर शिकारियों में होती थी। वक्त बीतने के साथ साथ इनका साम्राज्य 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का हो गया, और ये वहां शान से घूमने लगे। स्कारफेस की सिर्फ एक ही आंख अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा एग्रेसिव था। इसके वजह से इसे कई चोटें भी आती थी, लेकिन इसमें दर्द को सहन करने की कमाल की शक्ति थी। इसके साथ ही स्कारफेस एक बहुत ही अच्छा पिता भी था, और आम लायन से अलग इसे अक्सर ही अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा जाता था। फिर दिन बीतने लगा और स्कारफेस थोड़ा बूढ़ा होता गया। इस वजह से अब ये अपने भाइयों के साथ इलाके की पेट्रोलिंग पे जाना भी बंद कर देता है।
इसके काफी समय बाद यानी साल 2019 के अगस्त महीने में मस्केटियर्स में से एक हंटर कहीं गायब हो जाता है, जिसके बाद उसे दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। 2019 के अक्टूबर महीने तक स्कारफेस के सभी दांत टूट चुके थे, इसका नाक कोयले की तरह काला हो चुका था और इसका पैर भी बुरी तरह से इंजर्ड था। इसलिए बहुत से लोग ऐसा मान चुके थे कि अब बहुत जल्दी दुश्मन शेर स्कारफेस को मार डालेंगे। लेकिन फिर दुनिया में एंट्री हुई कोविड-19 महामारी की। इसके वजह से अफ्रीका में लॉकडाउन लगा और मसाई मारा में टूरिस्ट का आना भी बंद हो गया और इसी कारण अगले कई महीनों तक स्कारफेस गुमनामी का जीवन जीता रहा। वक्त बीतता है और एक दिन खबर आती है कि स्कारफेस के भाई सिकियो पर दुश्मन शेरों का हमला हो गया है और साल 2021 के जनवरी महीने में वो भी अपना दम तोड़ देता है। कुछ महीनों के बाद स्कारफेस नजर आता है। इस वक्त तक ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और अपना ज्यादातर वक्त प्राइड के साथ ही बिताना पसंद करता था। फिर आता है जून 2021। इस वक्त तक स्कारफेस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। एक दिन इसे एक हिप्पो के बॉडी के पास देखा गया जहाँ 3 साला मेल्स भी थे, लेकिन उन्होंने भी अपने स्किन को परेशान करना सही नहीं समझा। और फिर मारा में एक शाम वो भी आई जब स्कारफेस ने जंगल के शोर शराबे से दूर बिल्कुल शांत वादियों में दुनिया को अलविदा कह दिया। स्कारफेस की मौत किसी दुश्मन शेर के हाथों या भूख की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये अपनी मर्जी से और अपने पसंद की जगह पे मरा, जो ये साफ साफ दिखाता है कि ये कोई मामूली शेर नहीं था। और इसीलिए दुनिया स्कारफेस को इन कहानियों के जरिए हमेशा याद रखेगी। इस सीरीज के पहले पार्ट में 3 और लायंस की कहानी है। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए।